जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू ज्वाइन एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। एसपीजी को बस एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, लेकिन फिर भी एसपीजी ज्वाइन करना लोगों का एक पैशन होता है। सबसे पहले ये कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, आपको आईपीएस, सीआईएसएफ, बीएसएफ या सीआरपीएफ, इन किन्हीं में से एक सर्विस में आपकी सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए। एसपीजी में 3000 कमांडोज का ग्रुप होता है, जिनको 3 साल के टर्म के लिए रखा जाता है। इसके बाद आप जिस सर्विस से एसपीजी में गए रहते हैं, आपको वापस वहाँ भेज दिया जाता है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होता है। इंटरव्यू एक आईपीएस रैंक का अधिकारी लेता है, जो एसपीजी का हेड होता है। उनके साथ 2 डिप्टी आईजी, 2 असिस्टेंट आईजी, 5 लोगों का पैनल होता है, जिसमें 2 साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बस आपको निरीक्षण करते हैं। फिजिकल एग्ज़ाम, जिसमें आप 35 साल के ऊपर नहीं होने चाहिए, 35 के ऊपर आपकी फिटनेस काफ़ी अच्छी नहीं होती। रिटेन टेस्ट काफ़ी नॉर्मल होता है। सबसे अंत में होता है साइकोलॉजी इवोल्यूशन, जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन करता है, आपको उसका जवाब देना होता है। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 3 महीने का होता है, जिसमें वीकली टेस्ट होते हैं। अगर आप एक वीकली टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो आपको दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरा भी वीकली टेस्ट पूरा नहीं कर पाते तो आपको फिर से अपने वापस यूनिट में भेज दिया जाएगा, जिस यूनिट से आप वापस आए रहेंगे। आपको 3 महीने की ट्रेनिंग कम लग सकती है, लेकिन ये 3 महीने की इसलिए होती है क्योंकि इससे पहले आपने बेसिक ट्रेनिंग अपने सर्विस के पहले की होती है। एसपीजी के 4 ब्रांच होते हैं, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग्स, इंटेलिजेंस एंड टूर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और वो किसी सर्विस में ज्वाइन होना चाहिए, जैसे आईपीएस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ।